الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد यह दुआ तुझसे करता है रिफ़अत तेरा, यह दुआ तुझसे करता है रिफ़अत तेरा, तेरा बैतुल हरम और सर हो मेरा, तुझसे सजदे में बस गिड़गिड़ाते हुए, तुझसे सजदे में बस गिड़गिड़ाते हुए अपने अश्कों के मोती पिरोता रहूं। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन इकराम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के दर्स में इंशाल्लाह हम पांच ऐसे अज़ीमुश्शान आमाल सालिहा का तस्करा करेंगे जिनका सवाब हज के बराबर है। बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर हैं जिनके पास इतनी माली वसअत नहीं है, इतनी इस्तेआत नहीं है कि वो खाने काबा की तरफ सफ़र कर सकें, अल्लाह के घर का हज और उमरा कर सकें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों पर हज फ़र्ज़ भी नहीं किया है। हज की फ़र्ज़ियत के लिए इस्तेआत शर्त है। वलिल्लाहि अलल नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बहुत सारे आमाल रखे अपने बंदों के लिए कि अगर बंदे वो आमाल करें तो उन आमाल के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हज का सवाब अता फरमा देता है। सबसे पहली चीज़, हज की नीयत रखना। आदमी के पास माल नहीं है, आदमी के पास इस्तेआत नहीं है, आदमी उतनी कुदरत नहीं रखता कि वो अपने पैसे को जमा करके और हज बैतुल्लाह कर सके, खाने काबा का हज कर सके, मक्का की तरफ सफ़र कर सके, लेकिन उसकी नीयत सच्ची है, पक्का इरादा रखता है कि अगर अल्लाह ने हमको ताकत दी तो हम ज़रूर हज करने जाएंगे, अल्लाह ने वसअत दी तो हम हज करेंगे, तो उसकी सच्ची नीयत के बदले भी अल्लाह ताला उसे हज का सवाब अता फरमा देता है। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ग़ज़वे तबूक से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट रहे थे, जब मदीना के करीब पहुँचे तो अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, तुम्हारे साथ शरीक नहीं है। इन बिल मदीनत लरिजालन मा सिरतुम सैरन वला कतअतुम वादियन इल्ला कानु माकुम। कहा वो लोग जो मदीना में हैं किसी उज्र की वजह से तुम्हारे साथ जंग में शरीक नहीं हुए, तुम्हारे साथ बाहर नहीं निकले, वो भी तुम्हारे साथ अजर में शरीक हैं, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी है, उनका इरादा अच्छा है, वो भी तुम्हारे साथ शरीक होना चाहते थे। तो सच्ची नीयत किसी अमल सालेह के बारे में करना, इसके जरिया भी आदमी को सवाब मिल जाता है। इसी तरह एक दूसरी रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बहुत ज़्यादा माल नहीं दिया है लेकिन उसकी नीयत अच्छी है। वो कहता है, लौ अन्न ली मालन लअमिलतु बिअमल फलान, अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फलां की तरह सदक़ात व खैरात करता, मैं भी फलां की तरह अच्छे आमाल अंजाम देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फहुवा बिनियतिही, वो अपनी नीयत की वजह से उन लोगों के बराबर अजर पाएगा जो अमल कर ले जाते हैं, इनके पास माल है और नेकियां करते हैं उनके बराबर उसको भी सवाब मिलेगा। इसी बात को एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से पेश किया है हज की आरजू और तमन्ना के बारे में, तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। तो सच्ची नीयत अगर आपकी है, आपके पास वसअत नहीं है तो भी अल्लाह ताला आपको हज का सवाब देगा। दूसरी चीज, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल फज्र फी जमातिन, जिसने फज्र की नमाज बाजमात अदा की, सुम क़ाद यज़्कुरुल्लाह, फिर उसी जगह पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। सूरज तुलू होने के बाद उसने दो रकात इशराक की नमाज अदा कर ली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत लहू का अजर हज्जतिन व उम्रतिन तामतिन तामतिन तामतिन। सही तरगीब व तरहीब की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स जो फज्र की नमाज बाजमात अदा करे,
और फिर अपने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह को याद करता रहे यहां तक कि सूरज तुलू हो जाए, और सूरज तुलू होने के बाद दो रकात इशरा की नमाज अदा कर ले तो उसको मुकम्मल हज का और उम्रे का, मुकम्मल उम्रे का सवाब अल्लाह ताला अता फरमा देता है। शेखुल इस्लाम ने तैमिया के बारे में आता है रहमतुल्लाह के बारे में कि जब वो नमाज फज्र अदा कर लेते जला सयस्कुरुल्लाह इला करीब मिन इंतिसाफ नहार, तो वो अपनी जगह पर बैठ कर तकरीबन दोपहर तक अल्लाह का जिक्र करते रहते और कहते थे ये मेरा नाश्ता है, ये मेरा नाश्ता है, इसके ज़रिया मेरी ताकत बाकी रहती है, मेरी कुव्वत जो मैं नेकियां करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, अच्छे आमाल अंजाम देता हूँ, लोगों को दीन की बातें सिखाता हूँ, वो जो ताकत मिलती है इसी नाश्ते की वजह से मिलती है। इतनी देर तक वो अल्लाह का जिक्र करते और कहते मेरा नाश्ता है, तो हमें भी फज्र की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए, उससे ताकत मिलती है। तीसरी चीज़ अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खरज मिन बैतिही मुततहिरन इला सलातिन मक्तूबा फअजरुहु काजरिल हाजिल मुहरिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स घर से बावजू होकर निकलता है, घर से बावजू होकर निकलता है, मस्जिद में आकर के बाजमात फ़र्ज नमाज अदा करता है, तो ऐसे शख्स को भी हज का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा देता है। चौथी बात जो है वो ये है कि अगर कोई आदमी अल्लाह के किसी घर में, अल्लाह की मस्जिदों में से किसी मस्जिद में जाता है, किसी मस्जिद की तरफ जाता है और उसकी नीयत ये होती है कि वो दीन सीखेगा, दीन और शरीयत की बात सीखेगा, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मुकम्मल हज का सवाब अता फरमाता है। अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत और बयान करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गदा इलल मस्जिद ला युरीद इल्ला यतअल्लम खैरन अय युअल्लिमहु कान लहु काजर हज तामन हज्जतहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स अल्लाह के घरों में से किसी घर की तरफ इसलिए जाता है ताकि वह इल्म दीन सीखे, दीन के इल्म सीखे या सिखाए, तो उसको भी मुकम्मल हज का सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। उलमा ने इसकी शरह में लिखा है इससे मुराद दीन की जो मजलिसें होती हैं, मस्जिदों में जो दीन की मजलिसें मुनक़िद होती हैं, हलक़ात होते हैं, जैसे कि बहुत सारी मस्जिदों में दरस हदीस का अहतमाम होता है, दरस कुरान का अहतमाम होता है, तफसीर का अहतमाम होता है, कोई आलिम कोई मुहद्दिस दर्स देता है, वहाँ जाकर कोई शरीक होगा तो उसको भी हज का सवाब मिलेगा। या कुछ उलमा ने यह भी लिखा है कि अगर कोई आदमी किसी मस्जिद में जाता है और उस मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज के बाद दर्स का भी अहतमाम होता है, जैसे हमारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह होता है, फ़र्ज़ नमाज के बाद दर्स का अहतमाम होता है, उसकी नीयत ये होती है हम नमाज भी पढ़ेंगे कुछ दिन की बातें भी सीख लेंगे, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, उसको भी अल्लाह ताला मुकम्मल हज का सवाब अता फरमाएगा। कितनी बड़ी आसानियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के दरवाजे कितने बेशुमार हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। और पाँचवीं बात ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुक़रा मुहाजरीन जो सहाबा थे, फ़ुक़रा मुहाजरीन सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हाजिर हुए और कहने लगे अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हब अहलुद्दुसूर, मालदार लोग नेकियों में आगे बढ़ गए, वो नईम अलमुकीम जो नेमतों वाले हैं, रुपए पैसे वाले हैं, मालो दौलत वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा नेकियों में हमसे आगे बढ़ गए, वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, वो लोग भी रोज़ा रखते हैं जैसे हम रखते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा माल मौजूद है, माल की उनके पास कसरत है, माल की वसअत है, यहुज्जून व यातमिरून अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए हज करते हैं, उमरा करते हैं, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, बहुत ज़्यादा सदक़ात व खैरात करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ुक़रा मुहाजरीन जो सहाबा थे उनको नसीहत करते हुए फ़रमाया था, आपने फ़रमाया ला उहद्दिसुकुम इन अख़्ज़्तुम, अगर मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ अगर तुम उस पर अमल करोगे अदरकतुम मन सबक़कुम, तो जो तुमसे आगे निकल गए हैं मालो दौलत के ज़रिए जो नेकियाँ कमा रहे हैं उनको तुम पहुँच जाओगे, और तुम्हारे जो बाद आने वाले हैं वो तुम तक नेकियों में तुम्हारे दर्जे को नहीं पहुँच पाएंगे। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला एक ही जो तुमसे ज़्यादा अमल कर ले जाए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल बताया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानअल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कह लिया करो। ये तस्बीह अल्लाह के पैगंबर ने सिखाई और इससे उलमा ने इस्तदलाल किया है कि मुसलसल पाबंदी के साथ फ़र्ज नमाजों के बाद इन तस्बीहात का पढ़ने वाला भी अजर व सवाब का हज की तरह मुस्तहिक हो जाएगा, जैसे हज का सवाब मिलता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो लोग हज उमरा करते हैं सदक़ात व खैरात करते हैं तुम उनके बराबर पहुंच जाओगे,
तो इससे भी उलमा ने इस्तदलाल किया है कि अगर आदमी फ़र्ज़ नमाज के बाद इन तस्बीहात को पाबंदी से पढ़ता है तो उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हज का सवाब अता फरमाएगा। तो ये पांच आमाल का तस्करा मैंने मुख्तसर अंदाज में किया। नंबर एक, सच्ची नीयत रखना हज उमरा की, अगरचे आदमी गरीब है उसके पास ताकत नहीं है। नंबर दो, नमाज फज्र बाजमात अदा करना, उसके बाद अल्लाह का जिक्र करना यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, और फिर दो रकात इशा की नमाज अदा करना। नंबर तीन, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए घर से वजू करके जाना और फ़र्ज़ नमाज को बाजमात अदा करना। नंबर चार, ऐसी मस्जिद में जाना जहाँ पे आपको दीन सीखने का मौका मिले, दीन सीखने की गर्ज से या सिखाने की गर्ज से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिदों में से किसी मस्जिद में जाना, इसके ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हज का सवाब अता फरमाता है। और पांचवी बात ये कि नमाज के बाद जो तस्बीहात हैं, 33 मरतबा सुबहानअल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, इनको भी पाबंदी से अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन ये बात याद रहे कि जो आदमी मुस्ततीअ है, जिस पर हज फ़र्ज है, इन अमाल के करने से उसकी फ़र्जियत साकित नहीं होगी। जो आदमी मालदार है, जिसके पास अल्लाह ने वसअत दी है, वो ये ना कहे कि मैं तो ये सब नेकियाँ कर ही रहा हूँ, मुझे हज करने की क्या ज़रूरत है। साहिब इस्तेदात पर हज फ़र्ज है, इन नेकियों के करने के अलावा उसको हज करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इखलास नीयत के साथ उन तमाम अमाल को अंजाम देने की तौफीक अदा फरमा जिससे तू राज़ी होता है, और उन तमाम गुनाहों और गलत कामों से बचने की तौफीक अदा फरमा जिससे तू नाराज़ होता है। हम सब को ईमान के साथ मौत नसीब फरमा, आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।